हेलो, मेरा नाम अश्लान है और हम अपना दूसरा ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं प्रोटीएस 8 पे। इसमें इस ट्यूटोरियल में हम दो डिफरेंट और डिवाइसेस यूज़ करना सीखेंगे, जिसमें से एक सिग्नल जनरेटर है और दूसरा ऑसिलोस्कोप। आप सामने खुली विंडो में से लेफ्ट पैनल पे जाकर जाके देखें तो ये एक इंस्ट्रूमेंट्स मोड नामी बटन क्लिक करें, जो ये बटन आप माउस पे देख सकते हैं, तो अपने ऑसिलोस्कोप सिग्नल जनरेटर आपको ये लिखे नज़र आएंगे। तो इनको यूज़ करने से पहले हमें एक बेसिक सर्किट बनाना पड़ेगा। जो सर्किट हम बनाएंगे वो एक एम्पलीफायर है, कॉमन इमिटर स्टेज उसकी। हम उसको यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे इस ऑसिलोस्कोप पे। के कंपोनेंट्स मैंने चूज़ कर लिए, लेकिन फिर भी एक दफ़ा लास्ट लेक्चर रिपीट कर देते हैं। 3904 कॉमन BJT है, जो कि हम यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर इसने सिग्नल सिग्नल को एम्पलीफाई करने में नॉर्मली। हम इसको चूज़ किया साथ रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। इनको सेलेक्ट कर लिया, अपना सर्किट जल्दी से हम बनाते हैं। को राइट क्लिक करके लास्ट टाइम भी बताया गया था, इनको रोटेट कर सकते हैं डिफरेंट अपनी मर्जी की पोजीशंस में लाने के लिए। सर्किट जोड़ते हैं। जो हमने सर्किट डिज़ाइन किया है उसमें इंटेंडेड जो उसकी गेन है वो 5.4 के करीब आती है, 5.5 5.4। इनकी वैल्यू सेट करते हैं, आप इनका नाम भी इस तरह चेंज कर सकते हैं मिसाल के तौर पे ऊपर वाली रेजिस्टेंस RC आप इसको कहते हैं जो कलेक्टर के साथ लगती है, इसकी वैल्यू 12 किलो ओम। इसी तरह RE की वैल्यू आर थेवेनिन 1 थेवेनिन 2 ग्राउंड देते हैं। यहाँ पे टर्मिनल्स मोड पे जाएं और आपके यहाँ ग्राउंड नजर आ जाएगी। DC वोल्टेज देना होगा आपने, वो भी दे दिया, और इसकी वैल्यू हम सेट करते हैं 15 वोल्ट। यहाँ पे हम एक और चीज़ साथ ऑब्जर्व करते हैं, आप लेफ्ट पैनल्स पे देखें तो प्रोब मोड लिखा आपको नजर आएगा इस पैनल पे। इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे वोल्टेज करंट और ये लिखा आ रहा है, तो वोल्टेज प्रोब पर क्लिक करें और जहाँ पे आप इनको यूज़ करें। वोल्टेज प्रोब बेसिकली आपके पास एक वोल्ट मीटर का काम करती हैं, ये आपको जिस नोड पे इसको लगाया जाए उस नोड से लेके ग्राउंड तक का वोल्टेज आपको मेजर करके बता देती हैं। हम प्रोब्स लगा दिए, प्ले करके देखते हैं, आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे वोल्टेज बता रही है इस नोड से, ईच नोड से ग्राउंड तक का। जिस तरह ये कलेक्टर से ग्राउंड तक का वोल्टेज 9.2, मीटर से ग्राउंड तक का वोल्टेज 1.05। हम कैपेसिटर भी साथ लगा लेते हैं जल्दी से। इनपुट और आउटपुट साइड पे कपलिंग कैपेसिटर्स होते हैं, DC ब्लॉक करते हैं ये। वैल्यू सेट करते हैं, सिग्नल जो हमने इनको देना, हम दो तरह के तरीके से दे सकते हैं। एक तो हमारे पास वही जो आपको पहले हमने यहाँ पे सिखाना था सिग्नल जनरेटर। सेकेंड तरीका ये है कि हम इसको साइन वेव दे दें, जो कि हम जिस तरह लैब में देते हैं। हम साइन वेव वाले तरीके से पहले करते हैं, दूसरा तरीका भी हम फौरन इसके बाद ही सीखेंगे आज ही। इसके वैल्यू सेट करते हैं 0.2 वोल्ट, इसके एम्पलीट्यूड सेट करते हैं और 1 KHz फ्रिक्वेंसी इसको दे देते हैं। कि हमारा सर्किट कंप्लीट है। अब सर्किट को ऑब्जर्व करने के लिए हमें ऑब्वियसली ऑसिलोस्कोप चाहिए होगी, ताकि इसका हम आउटपुट ऑब्जर्व कर सकें। जैसे कि पता है कि आपको कॉमन इमिटर स्टेज की आउटपुट हम कलेक्टर साइड से देखते हैं, इसको लगा देते हैं। इसी तरह बी पे सी पे बेटर है लगाएं। इसके चार टर्मिनल्स हैं, हम ऑसिलोस्कोप के एक साथ चार टर्मिनल्स यूज़ कर सकते हैं। सी टाइप ही मैंने आपको अपना इनपुट सिग्नल ऑब्जर्व करने के लिए इसको कनेक्ट कर दिया है। ऑसिलोस्कोप भी इन वोल्टेज हमारे सोर्सेस की तरह इंटरनली जो है वो ग्राउंड से कनेक्टेड होती है। आपको एक प्रोब भी लगाने की ज़रूरत है, दूसरी प्रोब जो कि हम नॉर्मली
ग्राउंड पे लगाते हैं या किसी एक एलिमेंट के क्रॉस लगानी होती है तो हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती। सो हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, प्ले करते हैं। सो हमारा सिग्नल आ गए हैं। सो ये हमारे पास, अगर आप देखें चैनल ए की, डिफरेंट यहाँ पे बटन्स और नॉब्स लगी हैं। ये जो नॉब है ये वोल्ट पर डीप उसका चेंज करने के लिए होती है। सो हम सिग्नल को ताकि ऑब्जर्व प्रॉपरली कर सकें, इसी तरह चैनल सी के जो इनपुट जिस पे आ रही थी हम उसको भी इसी तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं। 0.2 वोल्ट की थी, 0.2 वोल्ट पीक ईच की एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। सो ये आपको देख सकते हैं। इसी तरह लेफ्ट कॉर्नर पर, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पर अगर आप देखें तो कोई टाइम स्केल चेंज करने की भी ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ जाएगी। सो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं कि पोजीशन की यहाँ पे एक नॉब सी लगी हुई है, इसको आप अगर मूव करें तो आप अपने सिग्नल को मूव कर सकते हैं। इसको नॉर्मली हम सिग्नल को इस तरह ऑब्जर्व करते होते हैं ऑसिलोस्कोप पे, लैब्स वगैरह में काम करते हैं। सो बेहतर है कि हम इसको इसी तरह एक साथ रखते हैं ऊपर नीचे के। सो हम अब यहाँ पे मुख्तलिफ बटन और लगे हैं, जिस तरह एसी और डीसी। ये ऑसिलोस्कोप के मोड हैं डिफरेंट, के आप उसको एसी मोड में देखते हैं, डीसी मोड में। डीसी मोड में एसी और डीसी दोनों आ जाते हैं, क्योंकि अब हमने अपने सर्किट के अंदर एक कैपेसिटर आउटपुट साइड पर लगा दिया था, तो हमें यहाँ पे किसी किस्म का डीसी वोल्टेज नहीं आ रहा। लेकिन हम इसको ऑब्जर्व करने के लिए शॉर्ट कर देते हैं इस कैपेसिटर को, ताकि हमें एसी और डीसी दोनों आए। तो हम जब इसको डीसी पे करेंगे तो हमारे पास वो वोल्टेज आ रहा है। तो हम इसको फिर से एसी पे कर देते हैं ताकि इजीली ऑब्जर्व कर सकें। इसी तरह यहाँ पे इन्वर्ट का बटन है, सिंपली जिस तमाम ये चैनल्स में मौजूद है तो ये चैनल को सिंपली इन्वर्ट कर देता है। और इसी तरह ये ए प्लस बी जो आपके पास लिखा है, यहाँ सी प्लस डी लिखा है, ए प्लस बी आपका जो ए आपके चैनल पे सिग्नल आ रहा होगा, जो बी चैनल पे सिग्नल आ रहा होगा, उनको सिंपली ऐड कर देता है सिर्फ। इसी तरह अगर आप लोग इस पे कर्सर्स लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं, ताकि आप अपनी वैल्यूज देख सकें कि किस वैल्यू पे क्या वोल्टेज आ रही है। तो इस वैल्यू को ऑब्जर्व करने के लिए आप यहाँ कर्सर्स भी लगा सकते हैं, ताकि आपको की वैल्यूज पता चल जाए। स्टॉप करते हैं इसको। अब हम ये सेम सिग्नल अप्लाई कर देते हैं सिग्नल जनरेटर से। सिग्नल जनरेटर सेलेक्ट करते हैं और इस सोर्स को डिलीट कर देते हैं, कनेक्ट करते हैं इसको, सिंपली प्ले करते हैं। सो हमारे पास अब यहाँ पे एक ऑसिलोस्कोप का पैनल खुला हुआ आ गया, और साथ एक सिग्नल जनरेटर का पैनल खुला हुआ आ गया। यहाँ पे अब अगर आप देखें तो सिग्नल जो आ रहे हैं डिफरेंट तरह के, यहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड आप चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं ये डिफरेंट उसके वोल्टेजेस पे। तो इस टाइम इसका एम्पलीट्यूड 1 पे मैक्स है, सो आप इसको चेंज कर सकते हैं कम ज़्यादा करने के लिए। तो आप इसको भी हम 1 पे चले रख देते हैं। इसी तरह आप वेव फॉर्म भी चेंज कर सकते हैं, अगर आप साइन वेव दें या ट्राइंगुलर वेव दें, ये सॉ टूथ वेव दें या डीसी वेव दें, सॉरी पल्स पल्सेस दें इसको, स्क्वेयर वेव दें। सो अगेन साइन वेव पे आते हैं, और यहाँ से आप इसकी फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा करने के लिए आपके पास ये फ्रीक्वेंसी की नॉब मौजूद है, और ये सेंटर रेट आपको फ्रीक्वेंसी बताता है। तो आपको कि इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप इसको सेंटर पर रख के, यानी कि इसको इससे फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करें, और इधर से आप फिर फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। तो दो तरह आपके पास ये नॉब्स आ जाती हैं रख इसको सिलेक्ट करने के लिए। ओके, सो स्टॉप करते हैं फिर से सिग्नल जनरेटर। और हमने यहाँ पे यहाँ साइन वेव जनरेटर जो है, दोनों हमने चीज़ें देख ली। सो नॉर्मली हम इन सर्किट्स के लिए साइन वेव जनरेटर को ही यूज़ कर लेते हैं, इस साइन सोर्स को। सो इसकी ज़रूरत कम ही पड़ती है। लेकिन दोनों क्योंकि हमने यहाँ पे लर्न कर लिए, सो हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं। सो हम यहाँ अपना ट्यूटोरियल एंड करते हैं, नेक्स्ट टाइम कुछ नई नई चीज़ सीखेंगे। थैंक यू।